प्रकाश जी, ये ये हाँ ये ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने हमको वोट किया है, लेफ्ट वालों ने हमको वोट किया है, ये बंगाल में कांग्रेस की पार्टियां साथ में लड़ लेती। आप बोलते जाओ ना, फिर जनता को दिखाने के लिए अलग चुनाव क्यों लड़ा, साथ में लड़ लेती। मनोजीत मंडल जी, मनोजीत जी थोड़ा, ये उन लोगों का यहाँ का लोकल लीडरशिप का प्रॉब्लम है, यहाँ का लोकल लीडरशिप। ठीक है, लोकल लीडरशिप जल्दी से। ये बेहद हास्यास्पद है कि 20-20 और 15-15 क्षेत्रीय दल जो भी है वो अपने क्षेत्र में 15-20 सीट जीत के देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना जरूर देखते हैं। अगर कांग्रेस की बुरी स्थिति भी 44 सीट पर हुई तो वो भी राष्ट्रीय राजनीति से क्षेत्रीय राजनीति में आ जाएगी, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। अगर 15 सीट जीत के कोई आपके पास आ रहा है तो वो सपना देखे। हाँ सर, सपना तो आपके भी नेता ने देखा था ना सर, सपना तो उन्होंने भी देखा था। और 2014 में तो क्या हुआ, जेडीयू दो सीटों पर आ गई। हाँ ऐसा सपना नहीं देखा, एक विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में कोई फैसला हुआ, वो फैसला अमल में आया, लेकिन 15-20 सपना देखने में बुराई तो है नहीं ना। नेता देश का प्रधानमंत्री बने तो क्या वो सरकार चला लेगा ना, उसके पास कोई राष्ट्रीय नीति है। और रही बात की गठबंधन, इनका गठबंधन क्षेत्रीय दलों का गठबंधन विधानसभा चुनाव में होता नहीं है। अभी अभी उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है, अखिलेश यादव का बयान देख लीजिए कि वो किसी बड़ी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। तो ममता बनर्जी ने बंगाल में समझौता नहीं किया, और महाराष्ट्र में कौन किसके साथ समझौता कर किस तरह की सत्ता में आया है ये सबको पता है। तो राष्ट्रीय नीति जब ना हो तो राष्ट्रीय नेता नहीं होगा। देश देश नीतियों से चलता है, लोकतंत्र सहमति और नीति और राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय नेता नहीं होगा तो कैसे लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव ममता बनर्जी के नेतृत्व में। और आज बीजेपी की नीति क्या है चित्रा जी, झूठ बोलने की, सारा काम झूठ पे चल रहा है। ये तो आप कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं मरा गंगा में लाशें नहीं बही, सारा काम झूठ पे चल रहा है। आपकी विचारधारा क्या है, देश को झूठ बोलकर बरगलाने की, इसके अलावा आपके पास क्या है। जहां तक आप बात कह रहे हैं कि जब दो सीटें बीजेपी ने जीती थी लोकसभा में, उस समय आप बताइए दूसरे को झूठा समझते रहिए, ये आपका दिमाग स्वप्न है, आप झूठ पालते रहिए। उस समय मैं कह रहा हूँ आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है, अगर आपको डर नहीं लग रहा, परेशानी नहीं है, लोकतंत्र में सबको सपना देखने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने का अधिकार है। मोदी जी हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है, आप लोकतंत्र में सपना जरूर देखें प्रधानमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन आपकी कोई अधिकार नहीं है, तो ट्रैक पे चलेगा नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि आपके गठबंधन की स्थिति वैसी है कि एक तराजू में 25 मेंढक को बांट नहीं सकते। सारे विधायकों ने मोर्चा लिया है, उत्तराखंड में आपको हर 4 महीने में मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। बीजेपी तो इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति में, 2019 को छोड़ दीजिए, 2024 में क्या स्थिति बनेगी, उसका आज मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आपके नेताओं पर पहले बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं, उसके बाद पलटकर इधर आ जाते हैं, वो तो सबके ऊपर लागू होता है ना। लेकिन ये बताइए, दीदी ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि बंगाल मॉडल लागू होगा ना कि गुजरात, तो बंगाल मॉडल लागू होगा या फिर आप लोगों का महाराष्ट्र, कौन सा मॉडल देश के सामने प्रस्तुत करेंगे? सारे मॉडलों का मिक्सचर होगा, आप चिंता ना करें। खिचड़ी बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत ताकतवर मोर्चा तैयार होगा, 1-1 होगा, खाली दो ही होंगे, बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ, बाकी का कुछ नहीं होगा इसमें। और सारे राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो बेहतर नेतृत्व दे रहे हैं अपने अपने राज्यों में। आज महाराष्ट्र की सरकार जो बेहतर काम कर रही है उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकृति दी है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको माना है, हाईकोर्ट ने उसको माना है। ठीक है, यानी कि तमाम राज्यों को लेकर एक साथ सामने जाएंगे आप। जल्दी से राजीव राजी आपके पास आते हैं, उसके बाद संगीत जी। राजीव राजी, फिर अगर 2024 के लिए ममता बनर्जी इतनी प्रबल दावेदार दिखाई दे रही हैं, जिसको एनसीपी भी स्वीकार कर रही है, कांग्रेस से भी, जैसा कि मनोजीत मंडल दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी उनके समर्थन में आकर खड़ी हो गई है, तो फिर समाजवादी पार्टी को ये कहने में दिक्कत क्यों हो रही है कि 24 के लिए दीदी हमारा चेहरा हो सकती है? चित्रा जी बता देता हूँ, और उससे महत्वपूर्ण सवाल एक और है जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस जवाब के बिना आपके सवाल का जवाब संभव नहीं होगा। आदरणीय संगीत रागी जी विद्वान आदमी है, सिलेक्टिव एमेंसिया की बीमारी आपको हो सकती है, इसका मतलब थोड़े कि पूरे देश को, आपने बड़ा इतिहास प्रणाम सुना दिया। आदरणीय संगीत रागी जी, आपने 77 से सुनाया, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, 1971 में जब भूतों ने भविष्यत पाकिस्तान के दो टुकड़े, जियो पोलिटिकल जो घटनाक्रम हुआ था, दो टुकड़े हुआ था, गया था,
आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, आप 77 नहीं, चित्रा जी 77 से ठीक है, 71 में चला गया तो बुरा लग गया, 77 तक ठीक था, 5 साल जजमेंट नहीं पास करिए, सुन लीजिए मेरे को सर, मेन अभी अभी वर्तमान पे रहते हैं ना, आपने 2022 की बात की जा रहा था तो आपको तकलीफ नहीं थी, नहीं सता सर वो किसी पार्टी से नहीं है ना, आप तो पार्टी से, पार्टी की बात रखिए ना, 24 के लिए चेहरा ममता बनर्जी का क्या स्वीकार्य है समाजवादी पार्टी को? अरे मैं उसी पर जवाब देना चाहता हूँ ना, जब संगीत रागी 77 से कहानी सुना रहे थे तो कोई तकलीफ किसी को नहीं हुई, और मैं आईना दिखाने लगा तो सबको तकलीफ होने लगी। मैं ये कहना चाहता हूँ 24 में भारतीय जनता पार्टी का अहंकार लेट हुएगा, जैसे इंदिरा गांधी के बाद कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, 77 में आना पड़ा और फिर राजीव गांधी आए, मिस्टर क्लीन वो भी चले गए, वैसे ही 24 में ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी नीतियों को ऑक्सीजन से लेके पेट्रोल डीजल बेरोजगारी और देश में जो अबरू के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है, देश को बेचने का काम हो रहा है, इसके साथ जनता खड़ी हो जाए। मनमोहन सिंह चेहरा नहीं थे। आप सिलेक्टिव सवाल उठाए और जवाब दे, कोई आईना दिखाए तो आप इतिहास की बात करने लगे। आपने एक बार नहीं पूछा, देश सुन रहा था जब 77 से लेकर राजीव गांधी और से मनमोहन सिंह से लेकर चंद्रशेखर और बीपी से सबकी बातें हो गई, और मैं सच दिखाने लगा तो तकलीफ शुरू हो गई। तो इस तकलीफ का जवाब जनता दे देगी 24 में, चिंता मत करिए। मनमोहन सिंह भी 2004 में चेहरा नहीं थे। और रागी जी एक और बात बता दूं, आप बता रहे थे ना अखिलेश यादव का, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया साइनिंग भारत उदय करा रहे थे और इतना ओवर कॉन्फिडेंस में अहंकार में थे कि 4.5 साल में चुनाव हो गया, लौट के नहीं आए। चिंता मत करिए, विपक्ष तो अलग है, आप सबसे पहले डूबेंगे अपने अहंकार से, अपने अत्याचार से और अपने राजनीतिक दुराचार से। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि देखिए 2004 में भी तो चेहरा कोई नहीं था, लेकिन बाद में किस तरह से सब एकजुट हो गए। देखिए दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो जो 16 अगस्त की जो ममता दीदी का जो आह्वान है खेला हो बे, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। 16 अगस्त 1946 में जिन्ना ने भी इसी प्रकार का एक कॉल दिया था, और आपको पता होगा कि कलकत्ता की सड़कों पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। क्या ममता उसी जिन्ना के साथ आप सरकार में थे बंगाल में, उसी बंगाल में उसी जिन्ना के पार्टी के साथ आप सरकार में थे, इनसे पूछना चाहिए। दूसरी बात, मैंने बार बार जोर दे करके कहा है कि आज के उस समय भारतीय राजनीति में कई ध्रुव तारा थे, एक नहीं थे। आप अटल जी को देख लीजिए, हेमवंती नंदन बहुगुणा उस समय पार्टी से निकल करके